मैं तो भूल चली बाबुल कभी इस पिया का घर प्यारा लगे, चंदा भी प्यारा है सूरज भी प्यारा, पर सबसे प्यारा है सजना हमारा हो। मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को बन्ने मियाँ का आदाब। अरे भाई, शादियों के सीजन ने तो नाक मार दिया है, ईमान से समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बवर्चन में, ब्यूटीशियन में, दर्जन में, मेरा मतलब है दर्जी में, ईमान से थक जाता हूं। इस भरी जवानी में अजीब विधवाओं जैसी जिंदगी हो गई मेरी, अब आप ही बताएं क्या करूं। और ये औरतें तो मुतमईन होना जानती नहीं। कल ये शेख रशीद जैसी औरत आई थी, कहने लगी मुझे मरियम नवाज शरीफ बना दो। भला बताओ जरा, और कहने लगी वो तो अभी नानी है, मैं तो अभी सिर्फ मोमानी हूँ। जब वो अपने बेटे की शादी में रंग में भंग डाल सकती है, दुल्हन से ज्यादा हसीन तैयार होकर दुल्हन को कॉम्प्लेक्स दे सकती है, तो मैं क्यों नहीं अपनी नंद भावजों के स्याह करेजे को मजीद स्याह करूं। और यकीन जानिए, अब तो 70 बरस की औरतें मुझसे कहती हैं, ए बन्ने मियां, जब कैटरीना कैफ जैसी पक्की उम्र की औरत को उससे आधी उम्र का लौंडा मिल सकता है, तो हम क्यों बेबी जैसी बोर जिंदगी गुजारें। और मुझसे कहने लगी, बन्ने मियां, ऐसा मेकअप कर दो, ऐसी आंखें बना दो कि सारी झुर्रियां खिंच जाएं। और कहने लगी कि बीसी खुलते ही बोटॉक्स और फिलर लगवा लेंगे। खैर, मेरी नजर में तो एक हर इंसान की फितरी ख्वाहिश है कि वो खूबसूरत नजर आए, मगर इनके मामलों में तो मौजों का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे आजकल जवान लड़कियों से ज्यादा शादीशुदा औरतों ने परेशान किया है। हाँ, मेरे हिसाब से बेचारियां गलत भी नहीं है, ना समझी में उनके हाथ रिजेक्टेड माल लग जाता है, और 40 बरस के बाद जाके उनको ख्याल आता है कि ये फैसला उनका गलत था, पछताती है बेचारी। मेरी अनगिनत सहेलियां हैं जो कहती हैं, बन्ने मियां, यकीन जानो अगर कानून हाथ में लेने से डर ना लगता और कोई माहिर कातिल मिलता तो अपने मियाँ की सुपाई देखे कब का खत्म करवा चुकी होती। वैसे मेरी प्यारी बन्नो, मेरी प्यारी सहेलियों, मेरी राज दुलारियों, ये बताओ तुम सब में से किसका ये दिल चाहता है? अल्लाह नजर, तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो, पेट थल थल हिल रहा है बिल्कुल रफान जेली की तरह। ये तो पगली है। खैर, बन्ने मियाँ को अब इजाजत दीजिए, लेकिन हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरी कौन सी सहेली का ये दिल चाहता है। अपने आप ही जैसे भैया को इजाजत दीजिए। आदाब।